अकेले जाने में डर लग रहा है क्योंकि बहुत ऊपर है। और देखिए ट्रैकिंग नहीं की तो फिर क्या किया। एक यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया है, यहाँ पे मैं और ऊपर जा रही हूँ, पूरा वहाँ चोटी है और थोड़ा ऊपर यहाँ के रास्ते देखिए, मिट्टी को काट काट के बनाए हैं और इतना ऊपर और है, पर पूरे बादल आ चुके हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए पूरा नीचे खाई है बट बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये डॉगी हमारे साथ आया, ये डॉगी हमको रास्ता दिखा रहा है। देखते हैं ऊपर क्या है, क्योंकि हम बहुत ऊंची चोटी पे आ गए हैं। इनसे लगातार बारिश के बाद अभी दिख रहा है कि शायद सूरज निकलेगा। सूरज निकलेगा तो ये पूरा बादल हट जाएंगे और पूरा दिखाई देगा। और अभी देखिए हमको उतरना है और देख रहे हो बादल कहाँ तक है, डेंजरस। माय गॉड, बहुत ऊपर जाने में थोड़ा डर लग रहा है। तो एक्चुअली बहुत ऊंचाई है और ऊपर कुछ मुझे ब्लैक ब्लैक हिलता हुआ दिखाई दिया। जब हम आ रहे थे गाड़ी में तो ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे मतलब रास्ते में एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे शेर भी रहते हैं, वाइट बंगाल टाइगर्स। तो जाके देखते हैं। मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ बिकॉज मुझे ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया है, क्योंकि ये थोड़ा जंगल भी है। तो अब नीचे जा रही हूँ मैं रिजॉर्ट की तरफ। ये जो सीढ़ी हैं काट काट के बनाई गई हैं ऊपर तक, बहुत ऊपर तक तो जाना मुश्किल है। ये हमारी हट्स हैं, ऊपर और नीचे दो दो करके हैं और हम लोग इसमें हैं। ये हट में और यहाँ से भी खूबसूरत व्यू है, और लेकिन पूरे बादल छाए हैं, लेकिन पूरा नीचे खाई है। ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। और ये है हाइबिस्कस का फ्लावर है। यहाँ के जो फ्लावर्स भी हैं वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है। और ये है हट एक, ये है खूबसूरत पहाड़ों के हाइबिस्कस बोलते हैं ना, यहाँ पे थोड़े कलर्स अलग अलग हैं। और यहाँ की जो भाषा है वो नेपाली है। बहुत अच्छा लग रहा है और इंजॉय कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे मेरी फैमिली बैठी हुई है, चाय पी रहे हैं और बहुत खूबसूरत है पहाड़ों के बीच में। ये है पूरा मेरा बैक व्यू हट्स के साथ, पूरा बादलों में ढका हुआ। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है, हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। शाम को यहाँ पे पकोड़े वगैरह तले जाते हैं, चाय मिलती है। आप ऊपर बैठिए, व्यू देखिए, चेयर टेबल है और देखिए पूरे बादल हैं। यहाँ से चाय लो, पकोड़े लो, इवनिंग में ही बनता है, डे टाइम में नहीं रहता। और पूरा ऊपर हट्स भी आप देख सकते हैं पूरे। हम लोग बादलों के एक्चुअल में बादलों के बीच में हैं। इस रिज़ॉर्ट का नाम है चारखोल रिज़ॉर्ट। आप नेट पे सर्च करेंगे ना चारखोल डाल के तो आपको पूरा हट के अंदर का भी फोटो दिखेगा। अभी वो जो बादल उठ रहा है आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये पूरा कवर हो जाएगा जो अभी दिख रहा है ना, बीच में पूरे घर दिख रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर रखती हूँ, आप देखना है पूरे वैनिश हो जाएंगे। वहाँ जो खूब एक बादल उठ रहा है देखिए,
हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं कि बादल नीचे है, हम लोग एकदम ऊपर हैं। एक्चुअल में मैं वेट कर रही हूँ, सामने जो है कंचनजंगा का पहाड़ है, चोटी दिखती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पर ये बादल बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। पूरा देखिए, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है जो कंचनजंगा का, जो चोटी दिखती है ना, इतना ब्यूटीफुल दिखता है। नीचे से तो बादल हट रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बट मैं उसका वेट कर रही हूँ। वहाँ से थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हुआ है, दूर दूर तक गांव दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, वो उधर भी गांव मुझे दिख रहा है ऊपर चोटी पे, और उधर भी बहुत दूर थोड़ा सा दिख रहा है। थोड़ा क्लियर होगा तो कंचनजंगा का पूरा पहाड़ चोटी दिखेगी।